तारा आपका नंबर है अभी, यस प्लीज। सर मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जैसे मेरा जो जीएनएम का टाइम पीरियड था 2019 से 2022 का पीरियड था हमारा, तो हाँ मैं वर्किंग रही हूँ हॉस्पिटल में 2012 से 2024 तक। जीएनएम से भी पहले, हाँ जी, जीएनएम करने से पहले से ही मैं हॉस्पिटल में वर्किंग हूँ। तो वो तो क्या काम था, उसको किस तरह से कंसीडर करेंगे, वो उनके साथ शेयर किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है सर, मेरे पास वहां का 5.5 साल का गवर्नमेंट सिविल हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी है, फिर मेरे एक्चुअली पास क्या होता प्राइवेट। है, जनरली जनरली क्या होता है कि आपकी डिग्री के बाद में एक्सपीरियंस माना जाता है जनरली, तो उनके साथ शेयर कर सकते हैं अपन। आपके पास अगर उसका रिकॉर्ड होगा, बाकायदा डॉक्यूमेंट्स लगा पाओगे एक्चुअली आप। हरियाणा में ना जो नर्सिंग के एग्जाम होते हैं वो काफी लेट होते हैं, तो हमारा अभी जस्ट ये 20 तारीख को लास्ट एग्जाम हुआ है, तो उसके बीच में तो लेकिन जो हमारे 2-3 साल है वो भी हमारे वर्किंग रहे हैं, वो भी एक्सपीरियंस में ही काउंट होते हैं, वो मतलब इंटर्नशिप में चले जाते हैं, तो वो हमारा एक्सपीरियंस में जाएगा कि नहीं? देखो, आपने अगर 2022 में कंप्लीट करी है सपोज फॉर एग्जांपल, और अभी 2024 चल रहा है। 2022 का हमारा बैच था ना, लेकिन हाँ कंप्लीट तो अब होगी, अब दिसंबर में सर्टिफिकेट आएगा, क्योंकि अब 22 तारीख को तो पेपर हुए हमारे ये सितंबर में। तो फिर वो जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है ना एक्सपीरियंस का, वो शेयर कर देना। आप उनसे बात जी करेंगे किस तरह से कितना कंसिडर करते हैं, क्योंकि फाइनली तो वो ही डिसाइड करेंगे। जनरली तो आपकी डिग्री के बाद का एक्सपीरियंस माना जाता है, लेकिन आपके जी केस में उनको पूछेंगे कि भाई देखो ऑफिशियली इनके पास इस बात का रिकॉर्ड है, सर, हॉस्पिटल भी मुझे लिख के दे काम रहा मुझे है। सारा ही आता है। नहीं आता तो है, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता ना उनको कि भाई इनको काम सारा आता है, आप तो लगवाओ राइट इनको तुरंत। अब वो बोलने से नहीं होगा ना, वो डॉक्यूमेंट आप दिखाओगे उसके हिसाब से वो कंसिडर करेंगे, आपसे बात करेंगे, मान लो पूछेंगे उस हिसाब से आप जवाब दे दोगे, जी, है ना। तो और डॉक्यूमेंट शेयर करेंगे एक सारे आपके, जो भी जितना भी एक्सपीरियंस है ना शेयर करेंगे कि भाई कि ये लगातार पहले से ही काम कर रहे थे और उसी से इनमें मोटिवेशन आया इस फील्ड में काम करने का। और ये पॉजिटिव तो जानी चाहिए बात, लैंग्वेज को बस जी, हाई एंड पे रखो एकदम। नहीं तो सर सर वैसे मेरी एज भी डिग्री से, 40 होने वाली है, मेरा हाँ तो अभी हुई नहीं मतलब ना उसे। सर्टिफिकेट नहीं अभी हुई नहीं है, बट जैसे आप 6 महीने का प्रोसीजर बता रहे हैं उसका वीजा वगैरह का, और अभी 6 महीने सर्टिफिकेट आने में लगेंगे तो बाद में दिक्कत नहीं आएगी आपकी सर्टिफिकेट आने में 6 महीने क्यों लगेंगे? सर? कम से कम 6 महीने तक रिजल्ट आता है ना? हाँ 2-3 महीने लगते हैं ना जनरली तो, नहीं खैर। नहीं 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 फाइनल में अच्छा 6 महीने का, 6 महीने बाद ही रिजल्ट आता है, ओके ठीक और है। फिर तो कम से कम आपका, 6 महीने आरएल नंबर आने में लगता है। हाँ तो आपने तो अभी तो A2 चल रहा है ना आपका तो अभी, जी, A2 खत्म तो होने वाला है बस। हाँ तो आपको तो अभी 3-4 महीने तो B1 करने में, उसमें भी तो लगेंगे, हाँ जी, तो वो भी आप चिंता मत। लगेंगे। हाँ तो वो पीरियड तो आपको वैसे ही चाहिए, उससे पहले तो वैसे ही नहीं जा सकते। फिर भी अगर अपने पास मान लो महीने 2 महीने 3 महीने जो भी बचेंगे तो आगे की पढ़ाई करेंगे, जब तक साथ साथ पैरेलल प्रोसेस शुरू कर देंगे आपका A2 खत्म हाँ होने के जी, बाद मतलब में, जब मैं आप वही कह B1 रही में हूँ कि आओगे। अगर पॉसिबल है तो टाइम से हो जाए शुरू, तो मुझे बाद में फिर एज, उसका एज की प्रॉब्लम ना हो। देखो आपका जैसे ही A2 खत्म हो जाए ना, आप अपना जी B1 में एंटर हो जाओ, तो अपना वीडियो जी बनाना जिसमें आपका ये भी बोल सकोगे कि B1 कर रही हूं अभी, और वो जिस जी कॉन्फिडेंस से बोलोगे उनको भी लगेगा। फिर आपका प्रोसेस जी अपन ना, उससे पहले मान लो कि वीडियो शेयर करें उसमें जर्मन अच्छी नहीं बोले तो फिर आपको भी अच्छा नहीं लगेगा और कोई सिलेक्ट भी नहीं करेगा ना। जी तो अपन को B1 तो वैसे भी चाहिए, तो आप B1 में जैसे ही आ जाओ उस टाइम पे आपका वीडियो बना के अपन भेज देंगे, ठीक जी है? ओके, थैंक यू सर। वेलकम सर थोड़ा तारा। सा मैं बताना चाहूंगा, जैसे इन्होंने बताया कि जैसे मेरे पास एक्सपीरियंस है, तो सर उस एक्सपीरियंस का कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो लीगली नहीं है। आपका एक्सपीरियंस कब होता है? जब आपके पास आरएन नंबर आ गए, आपके पास डिग्री डिप्लोमा आ गया, उसके बाद में अगर आप कहीं जॉब करते हो तो एक्सपीरियंस वही वैलिड है, बाकी अनलीगल है। यहाँ वाले बोल देंगे कि आपने मतलब नर्सिंग आपने चॉइस में किए तो उससे पहले आपने काम करवाया, तो कैसे कर सकते हो आप? लीगल है ही नहीं वो, मतलब उसमें वो तो तो ये वो सर नहीं। हमारे इंडिया में सेकेंड ईयर के बाद परमिशन दे देते हैं ना, इंडिया नहीं है ना, जर्मनी है। या सेकेंड ईयर वो में इंडिया में हमारे पास तो भी उसी हिसाब से एक्सपीरियंस आएगा ना। और इंडिया में भी लीगल नहीं है चीज, इंडिया में भी लीगल नहीं है। हाँ तो अपन अपन मतलब कि आप उस तरीके से बोल सकते हैं कि भाई मैंने मतलब एज ए हेल्पर के तौर पे काफी, मतलब वो पॉजिटिव आपके प्रति वैसे जा सकता है कि काफी दिनों से आप हॉस्पिटल से जुड़े हुए हो तो बहुत अच्छे से वो सब समझते हो आप, है ना, वो चीज आपकी पॉजिटिव चली जाएगी।
लेकिन उसके कारण वो ज्यादा पैसे नहीं देंगे, है ना, ऐसा लग रहा है। बाकी आपका अपन अप्लाई करेंगे और देखेंगे। हाँ जी। और सर एक का ऐसा है, जैसे इंडिया से अभी केरला से एक लड़का आया है तो वो 41 ईयर का है। हाँ तो 40 तक तो कोई इश्यू नहीं। और जो यू में जो कंट्रियां आती है वो तो मतलब उनके लिए एज का कुछ है ही नहीं। जैसे मेरे साथ वहां पहले काम करते थे, उनकी एज 52 थी, कोई 55 के भी काम कर रहे हैं, 58 के भी काम कर रहे हैं। वो कर नहीं रहे, आए हैं क्या वो, लेट ही आए हैं क्या? हाँ, काम तो मालूम करते करते उम्र तो आपकी भी होगी कल को। नहीं अभी आए, मतलब कहने का मतलब जैसे जहाँ पहले था वो कोई 4 महीने पुराना है, कोई 1 साल पुराना है, कोई 1.5 साल पुराना है। अरे कुछ मित्रों के लिए बहुत अच्छा है। हाँ, EU में है, उनके लिए एज की कोई लिमिट नहीं है जो EU में जो कंट्री आती है। और अपन के लिए 41 तक तो मुझे पता है, जैसे 40-41 तक तो काफी कैंडिडेट आए हैं। अब 41 का आगे नहीं पता कि ये मतलब देखो एज का ऐसे है कि अपन को अर्बाइट फरतराक देती है कंपनी। अगर कंपनी ने हमें दे दिया अर्बाइट फरतराक, फिर रहता है उस पर गवर्नमेंट पे। तो गवर्नमेंट कई बार इसलिए मना कर देती है कि जैसे कोई अगर 40 साल का कैंडिडेट यहाँ पे आया, उसने 26 साल जॉब की, उसके बाद वो पेंशन लेगा, तो जितनी पेंशन उनकी बनी नहीं तो वो लेने का हकदार हो जाएगा। इसीलिए कई बार ये वीजा कर देते हैं डिनाई कि नहीं अगर 45 है तो हम नहीं देंगे। ओके, चलो 40 के आसपास हैं, उनके चांसेस हैं, मतलब ठीक है। हाँ गुड। ओके सो नेक्स्ट सिमरजीत, सिमरजीत कौर। सर मैंने भी किड्स के बारे में एक तो पूछना था, और एक मैंने बच्चों के बारे में पूछना था मेनली, तो के बच्चों को कैसे साथ ले जा सकते हैं आप? जैसे एक तो आप जब वहां पे 1 साल का पीरियड आपका होगा, आपका अनअर्केनुंग वाला प्रोसेस हो जाएगा, तो आप अप्लाई करवा सकते हैं उनको। जैसे स्पाउस को अप्लाई कराओगे तो बच्चा छोटा है तो वो तो साथ ही जाएगा, जनरली उसमें डिनाइल नहीं आता। बच्चे छोटे ही होंगे ना अभी? सर मेरी बेटी तो 4 साल की है अभी, और हाँ बेटा तो मेरा 12 साल का है। अच्छा ओके। जब मेरे को जो बताया गया है अभी वो ये है कि 1 साल में अप्लाई कर सकते हैं, और बाकी अभी इन्होंने जो बता दिया कि साथ में जो अनअर्केनुंग वाला प्रोसेस आपका और भी जल्दी हो गया, तो वो तो बहुत ही अच्छा है। और आपके केस में आप ये भी कर सकते हो, जितना कि हो सके जहां तक B2 करके जाओ, तो अनअर्केनुंग का सारा प्रोसेस अपन यहीं से करवा लें, तो फिर आप उसके लिए और ज्यादा एलिजिबल हो जाओगे, और हो सकता है कि सीधे ही सारा काम हो जाए। ये सर अगर यही मैं पूछ रही कि अगर मैं यहीं से B2 करती हूँ, क्या मैं बच्चों को साथ ही ले जा सकती हूँ, ऐसा हो सकता है? एक बार तो जब आपको अप्लाई जब करवाएंगे उस टाइम पे आप अकेले ही जा पाएंगे। कारण उसका ये है कि आप खुद ही वहां जाके कुछ दिन आपको ऑब्जर्व किया जाएगा कि आप कितना अच्छे से काम कर रहे हो। okay. है ना, तो उसके बाद ही आपकी एक तरह से परमानेंट हुई ना, जो शुरू में प्रोबेशन पीरियड पे रखते हैं। तो शुरू में आप अकेले ही जाओगे, बट आपका पहले ही अनअर्केनुंग वगैरह सब कुछ हो रखा है, तो डेफिनेटली वो भी हेल्प करना चाहेंगे। विद इन ए ईयर आप लेके जा सकोगे, ये तो मुझे पता है। उन्होंने बताया कि अनअर्केनुंग का मामला जो है वो जितना पहले हो जाए इंडिया में ही हो जाए तो और अच्छा है, लेकिन कई लोगों को क्या जाने की जल्दी रहती है, इसलिए वो फिर चाहते हैं कि B1 पे ही चला जाऊं मैं। ओके सर, जैसे मान लो अभी मेरा A2 चल रहा है, और जैसे अभी मैं B1 स्टार्ट करूंगी, A2 के बाद मेरा इंटरव्यू हो जाएगा, फिर उसी समय मेरा स्टार्ट हो जाएगा प्रोसेस? बिल्कुल, जैसे आपका ये वीडियो अपन भेज देंगे, उधर से उन्होंने क्लियर कर दिया कि यस ये कैंडिडेट है, हमको ठीक लग रहा है, तो आपका प्रोसेस शुरू हो जाएगा। साथ साथ B1 कंप्लीट होगा, साथ साथ आपका प्रोसेस शुरू हो जाएगा अनअर्केनुंग का वो सारा। सर मैं पूछना चाहती हूँ कि जैसे B1 खत्म होता है, मान लो मैंने गोइथा का एग्जाम दिया और वहां से मेरी सिलेक्शन भी हो जाती है, तो फिर B1 के बाद कितना टाइम लगता है फिर? देखो दो बातें हैं ना, एक अनअर्केनुंग वाला जो मामला है वो तो B2 के बाद होता है, है ना? हाँ जी हाँ जी। क्योंकि अनअर्केनुंग भी जैसे टाइल और फॉल वो होता है, दो तरीके से करते हैं वो। सो फॉल अनअर्केनुंग है वो B2 के बाद ही होता है, और B1 पे हम लोग अपनी प्रोसेस, जब आप B1 पे आओगे तभी इंटरव्यू वाली प्रोसेस हम शुरू कर देंगे, और B1 कंप्लीट होने पे आपकी जर्मनी जाने की प्रोसेस शुरू हो सकती है। फिर अपन को डिसीजन लेना है कि B1 पे जाना है कि B2 पे जाना है, अकॉर्डिंगली मूव करना है जर्मनी में। ओके, मतलब मेरी जो इंटरव्यू है वो B1 में होगी? हाँ B1 में, B1 के दौरान भी हो सकती है आपकी इंटरव्यू, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनको आपका वीडियो, रिज्यूमे, CV, आपके पास एक्सपीरियंस भी है?
सर मेरे पास ना एक्चुअली टीचिंग का एक्सपीरियंस है, मैंने हॉस्पिटल में जॉब की है लेकिन उसका मेरे पास रिटर्न एक्सपीरियंस नहीं है। मैंने 1 ईयर जॉब की थी, उसमें ना मतलब जहाँ पे मैंने जॉब की थी उन्होंने मुझसे मैं पहले एग्रीमेंट लिखवाया था कि 1 साल से अगर पहले छोड़ोगे तो हम आपको मतलब नहीं देंगे एक्सपीरियंस। फिर मेरे 9-10 महीने में के बाद मुझे कोई मेडिकल इमरजेंसी उसके वजह से मुझे छोड़ना पड़ा, उन्होंने मुझे एक्सपीरियंस दिया नहीं। और बिल्कुल सर उन्होंने दिया नहीं मुझे एक्सपीरियंस। Okay. तो काम मैंने किया, मैंने डायलिसिस में भी काम किया, डायलिसिस में यूनिट में, और उसका भी मुझे एक्सपीरियंस, मैं उसमें सेट वगैरह लगा लेती हूँ जो भी काम होता है डायलिसिस का। लेकिन टीचिंग का भी, टीचिंग का मेरे पास रिटर्न है सर। नहीं वो टीचिंग का तो अलग हो गया ना, यहाँ पे तो अपन को ये वाला चाहिए, तो फिर यही माना जाएगा अभी आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है ना। यस सर, क्योंकि उसका मेरे पास रिटर्न नहीं है। ठीक है, नो प्रॉब्लम, आपका जैसे ही B1 में आओगे प्रोसेस शुरू करेंगे अपन। आप इसमें लिख, आपने डॉक्यूमेंट शायद भेज भी रखे हैं ना ऑलरेडी? बिल्कुल सर, मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स अपने शेयर किए थे। ऑल राइट, गुड। नेक्स्ट इज नरेश कुमार। यस सर, गुटन आबन सर। गुटन आबन नरेश। हाँ सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे मैंने अभी B1 का एग्जाम दिया है और प्रोसेस अगर B1 में पास होते ही प्रोसेस चालू हो जाती है और मेरे पास अभी जैसे एक्सपीरियंस लेटर कोई रिटर्न में है नहीं सर ऐसा, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर मैं जब तक ये प्रोसेस कंप्लीट होती है 6 महीने लगते हैं या 5 महीने लगते हैं, तब तक मैं किसी हॉस्पिटल में अगर वर्क करके एक्सपीरियंस ले लूँ तो वो बेनिफिशियल रहेगा सर? देखो डेफिनेटली बेनिफिशियल तो रहेगा ही रहेगा जितना आपको नॉलेज आ जाए, लेकिन मेरे को ऐसे लगता है आपको साथ में B2 पे फोकस करना चाहिए। आप अपन क्या है कि जब इंडिया में होते हैं ना तो हम अपने टीचिंग अलग तरीके से देख रहे होते हैं। एक बंदा B1 के बेस पे जा रहा है, एक B2 के बेस पे जा रहा है, सपोज इनकम का अगर डिफरेंस आता है तो वो बहुत मायने रखेगा। आपके पास अभी काम, आपने B1 का सर्टिफिकेट अगर आ जाता है तो जितना भी टाइम लगता है, आपको भले ही ज्यादा पैसे ना भी मिले हॉस्पिटल से, तो आप अपने को एक्सपीरियंस लेने की कोशिश करो और मैनेज कर सकते हो तो B2 को साथ साथ में सीखने की कोशिश करो। चाहे टाइमिंग मैच नहीं कर रहा हो तो चाहे रिकॉर्डेड वीडियो से ही करो आप, लेकिन B2 अंदर से कॉन्फिडेंस रहेगा ना तो अच्छे से डील कर पाओगे आप कस्टमर्स को भी और वहां पे। हाँ बिल्कुल सर, वो B2 की आपकी क्लासेस में ज्वाइन करना चाह रहा था लेकिन वो सुबह का टाइम थोड़ा मुझे सूट नहीं कर रहा। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपन बात करेंगे रिकॉर्डिंग से आप कैसे कर सकते हो उस पे। और आपका आपका एक वीडियो और बनना है अभी, है ना? आप हाँ वीडियो सर मैंने आपको भेजा था 2 महीने पहले, मेरे को ध्यान है वो, मुझे ध्यान है वो। आपको एक और वीडियो बनाना है और एकदम प्रोफेशनल तरीके से, बैकग्राउंड प्लेन रख के और, है ना, 80-90 सेकंड का फिर से बनाना है एक। बिल्कुल सर, आप जब बोलेंगे तब। मैं अभी बोल रहा हूँ आपको, एक दो दिन में ना हो सके आप बना के भेजो मेरे को। हाँ बिल्कुल श्योर सर। और एक चीज और पूछना चाहता हूँ सर। हाँ, जैसा हम यहाँ से B2 कंप्लीट कर लेते हैं और वहां जाके हमें फ्लैग बेचवाए दोबारा अलग से करना होगा? वो करवाएंगे तो आपके मेरे ख्याल से पैसे ही नहीं लगेंगे। अभी उन्होंने बोला ना कि वो लोग करवाते हैं। गणेश आप वहीं पे हो अभी? ओके, सो फ्लेगे का वो करवाएंगे आपको वहां पे, अक्सर गाइड तो करते ही हैं बराबर वो। तो फ्लेगे का मतलब ये होता है कि जितने भी इंस्ट्रूमेंट वगैरह वहां का तौर तरीका सारी चीजें, जर्मन जो चीजें आपने करी हैं वो जर्मन लैंग्वेज के थ्रू और आप आपसे निकल जाए तो आप इजिली चीजों को अंडरस्टैंड करोगे ना। हाँ बिल्कुल सर, अपने लिए जनरल टर्म्स पढ़ी होती हैं जी बिल्कुल अपने। हाँ तो उसके लिए अलग अलग सिनोनिम्स होते हैं, अलग अलग वर्ड होते हैं पर्टिकुलर, तो हाँ वो मेडिकल टर्मिनोलॉजी भी बहुत थोड़ी हार्ड रहती है तो उसको भी जर्मन में सीखना। हाँ उसके लिए भी सर कोई सर्टिफिकेट ही होता होगा बेचवाई, फ्लैग बेचवाई का? हाँ फ्लैग बेचवाई करके होता है। हाँ बिल्कुल सर, तो वो तो जाके आपको करना ही है। बिल्कुल सर बिल्कुल, थैंक यू। ओके मिथिलेश, योर टर्न नाउ, सबके क्वेश्चंस लेंगे एक के बाद एक। मिथिलेश। हाँ हेलो सर। यस प्लीज। हाँ सर, 2 क्वेश्चन थे उसमें से एक तो क्लियर हो गया मेरी, यानी आंट जो है उनके पास एक्सपीरियंस तो है बहुत लेकिन एज 45 अराउंड है,
44-45 तो वो क्लियर हो गया, यानी एक्सपीरियंस है उनके पास, दुबई का भी है और लैंग्वेज वापस करना पड़ेगा, तो उसके बारे में अब बाद में बता दीजिएगा हो सकता है क्या, ताकि मैं उनको बोल दूंगा। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, वो बात कर लेंगे मेरे से, कोई क्वेश्चन हो क्वेरी हो तो। और एक क्वेश्चन था सर, वो लेकिन हाउस बिल्डिंग के रिलेटेड था, पूछूंगा अभी नहीं, हाउस बिल्डिंग का अलग से पूछेंगे, क्योंकि नहीं तो एक का लेते ही तो फिर दूसरा को आएगा, फिर तीसरे का आएगा, तो आप मेरे को एक ही क्वेश्चन था। नहीं हाउस बिल्डिंग का अभी मत पूछो, हाउस बिल्डिंग का आप मेरे को प्ले अभी मैसेज कर दो तो मैं आपको अलग से बात कर लूंगा, कोई बात नहीं सर। हाँ आंटी जी, आंटी जी ने जर्मन सीख भी रखी है क्या? नहीं नहीं उनका जर्मन नहीं हुआ, एक्सपीरियंस है बहुत, यानी ऑफिसर भी है वो प्राइवेट हॉस्पिटल में। ओके ठीक है, ठीक है तो बात कर लेंगे। ओके राइट हनीफ, नेक्स्ट योर टर्न। हेलो सर। हेलो। हाँ सर, मैंने बीएससी नर्सिंग किया है सर। ओके। तो सर मेरा कोर्स ड्यूरेशन था 2018 से 2022 तक। ओके। लेकिन सर मेरा कुछ सब्जेक्ट में सप्ली था, जैसे सेकंड ईयर में थर्ड ईयर में कुछ सब्जेक्ट में सप्ली था, वो क्लियर करते करते मैं फाइनली 2024 में क्लियर किया, वो मेरा रजिस्ट्रेशन आया, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम आया क्या सर? मेरे ख्याल से क्लियर हो गया तो नहीं होनी चाहिए प्रॉब्लम, तो बाकी मैंने पूछा नहीं है कि सप्ली वालों के लिए इश्यू है कि नहीं है, अभी तो फाइनली क्लियर होके आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया ना? हाँ 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 सर आ गया। ओके तो आप मेरे को लिख नहीं दो। सर वो जो सप्ली होती है वो हमारे डॉक्यूमेंट्स पर मेंशन नहीं करते, वो हमारे क्लियरेंस का सर्टिफिकेट बनता है, वो सप्ली हमारे डॉक्यूमेंट्स पे मेंशन नहीं होती। ओके 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 तो वो मेंशन नहीं करते हैं तो और भी अच्छी बात है, बाकी आप मेरे को अपने डॉक्यूमेंट वगैरह शेयर करोगे तो आप ये बात मैं स्पेशली पूछ सकता हूँ। ओके ओके सर। और सर नहीं होगा इसमें कोई भी इशू, जैसे अभी गणेश बोस है मेरी है तो उनका भी कुछ ऐसा ही रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं आता इसमें। अच्छा ओके ठीक है। चलो भाई कमल बता रहे हैं तो उन्होंने भी क्लियर किया अपन को, तो ये तो और अच्छी बात है कि किसी के रहा भी है तो वो काफी खुश होंगे ये क्वेश्चन सुन के कि यार अपने भी था और वो गए हैं, तो ठीक है गुड, थैंक यू कमल ये बताने के लिए। ओके सर। और मैंने सर A2 में हूँ अभी सर, मैं अभी क्या करना चाहिए मेरे को आगे सर बताएंगे थोड़ा? सबसे पहले तो जो फॉर्म मैंने आपको दिया है इसमें आप अपनी इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे, ताकि मैं आपको हर जो भी कोई यहाँ पे इवेंट हो है ना, मीटिंग हो, उसमें आपको इनवाइट करूं। और दूसरी बात लैंग्वेज का जो है अभी जो चल रहा है A2 चल रहा है आपका, B1 तो करना ही है मिनिमम, चाहे कहीं से भी करो जहां से भी कर रहे हो अच्छे से करना, और स्पोकन पे ध्यान रखना। और जो फ्रेंड्स लोग कहीं और से कर रहे हैं जर्मन, उन लोगों को भी मैं इन्वाइट करना चाहूंगा कि रोजाना हमारा ग्रुप डिस्कशन होता है, वो आप फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हो, जिसको लिंक चाहिए वो मेरे को लिख देगा जो नंबर दिख रहा है आपको सामने उस पे, ठीक है? सो जो भी लोग नर्सिंग वाले हैं वो इस पे अपने डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हैं, और ताकि हमको भी अपडेट रहे कि भाई इनका अभी ये लेवल है और इतने दिन में इस लेवल पे पहुंचने वाले हैं, तो बीच बीच में मान लो कोई ट्रेनिंग करें, कोई एक्सपर्ट्स को बुलाएं बीच बीच में। मैं ये भी सोच रहा हूँ कि कभी कभी उधर से कुछ जर्मन्स को या अपने जो फ्रेंड्स हैं जैसे गणेश है और मित्र लोग गए हैं वहां पे वर्किंग है एज ए नर्स, उनको बुलाएंगे आपके साथ इंटरेक्शन कराएंगे। शिवांश गुड आबेंट सर। गुड आबेंट सर, मेरा जो है ना PBBSC है ये फाइनल ईयर, एंड मेरा जो है रजिस्ट्रेशन आने में 6 मंथ लग जाएंगे सर, तो मुझे पूछना था मेरा B1 चल रहा है तो मुझे अभी से सर प्रोसेस स्टार्ट कर देना चाहिए? हाँ B1 आपका चल रहा है तो जो वीडियो वाला जो प्रोसेस है ना वो स्टार्ट कर देना चाहिए, ठीक से वीडियो बनाना है, और फिर ताकि हम उनको अपडेट कर सकें कि ये जो स्टूडेंट्स हैं ये लाइन में हैं, आप इनके लिए पहले से तैयारी रखो, और हो सकता है कुछ चीजें वो भी हमको गाइड करना चाहेंगे प्रोसेस के दौरान, मतलब फाइनल तो आपको B1 के बाद ही भेज सकेंगे, लेकिन एक पता रहता है कि ये स्टूडेंट है ये वहां के लिए रेडी है, तो बीच बीच में दूसरे सेशंस में मान लो कभी किसी का सेशन कराया मेडिकल टर्मिनोलॉजी का, तो जो लोग लाइन में रहेंगे उनको भी तो इन्फॉर्म करेंगे ताकि उनको भी कुछ कुछ चीजें पता चलती जाए। अनार कनंग और कैंडिस प्रोफोंग एग्जाम होता है तो सर हमें एक ही क्लियर करना होता है ना, तो बिकम अ रजिस्टर्ड नर्स इन जर्मनी। अनार कनंग
एक और कैंटीनेशियर प्रूफिंग, यस करेक्ट। सो एक ही कंप्लीट करना होता है ना रजिस्टर्ड नर्स के लिए सर वहां पे? बिल्कुल सर, तो मेरा मार्च में आएगा रजिस्ट्रेशन, मेरा ए2 का गोएथा सर्टिफिकेट मेरे हैंड में है, मैंने कंप्लीट कर लिया, बी1 अभी मैं कर रहा हूं लर्न, तो मैं आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट शेयर कर दूंगा। मेरा अभी सब कुछ रिजल्ट आते आते टाइम लग जाएगा, मार्च हो जाएगा और मेरा आने में रजिस्ट्रेशन। हाँ तो जब तक अपना बी1 बी2 जो भी हो सकता है वो अपन करेंगे सर। कुछ इफेक्ट पड़ेगा? मैंने सर समय यहाँ पे बैचलर्स डिग्री कंप्लीट कर ली है, तो मुझे वहाँ पे इफेक्ट पड़ेगा कुछ? वो हमें क्या कंसीडर करेंगे, मेरा ये कंसर्न है कैसा वो कंसीडर करेंगे, क्योंकि वो जीएनएम और पीबीबीएससी हो या पीएससी नर्सिंग हो सबको एक ही मतलब वो कर रहे हैं, मतलब कैसे मेजर करेंगे, मतलब कुछ अलग अलग रहेगा क्राइटेरिया? देखो, देखो सबको एक में ही कंसीडर कर रहे हैं ना वो, मान लो तो आगे आप बी2 करेंगे और अपना फुल आनर्कनुंग कराएंगे तो वहां पे फर्क पड़ेगा। शुरू में इंटरव्यू में वो देखेंगे कि कौन से कैंडिडेट को हमको किस कैटेगरी में लेना है, तो जनरली जिन्होंने बी2 नहीं किया और जो मतलब कैंटीनेशियर प्रूफिंग नहीं दी उनको जनरली असिस्टेंट नर्स के तौर पे लेते हैं ना वो, एक स्टैंडर्ड। शुरू में मैंने आज जो दो टर्मिनोलॉजी यूज करी थी, स्टैंडर्ड कैंडिडेट और प्रीमियम कैंडिडेट, तो आपको आपको स्टैंडर्ड वाली में ही लेंगे वो अभी जी। यस ओके नेक्स्ट इज वेलकम मनोज पात्रा। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून मनोज। सर पांच छह क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी पूछ लेता हूँ सर। पहला है सर, जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो कितने साल का हो सकता है? कॉन्ट्रैक्ट जनरली दो साल से ज्यादा का नहीं कर रहे होते हैं वो। ओके सर, और वो दो साल में हमको उसी मतलब उसके ही साथ हमको रहना है जो भी करना है, उसके बाद हम छोड़ सकते हैं? बिल्कुल, जो कॉन्ट्रैक्ट जितना पीरियड हो गया उतना तो आपको उसके साथ ही रहना है। ओके सर, उनका क्या है, उनका खर्चा भी आता है, अपन को वो प्रिपेयर करते हैं और वहां बुलाते हैं ना, ट्रेनिंग देते हैं शुरू में, इंटीग्रेशन कोर्स भी कराते हैं कई लोगों का, अलग अलग एम्प्लॉयर अलग अलग तरीके से तैयार करते हैं अपने लोगों को, कोई बहुत ज्यादा पैसा खर्च करता है, कोई काम ज्यादा करवाता है, बीच बीच में ट्रेनिंग देता है, जैसे कोई मान लो कि मेडिकल वाला बी टू फ्लेग वाला करवा रहा है आपको, तो आपके वो पैसा भी खर्च कर रहा होता है ना, उसको पता है कि दो साल ये अपने साथ ही रहेगा, इसीलिए तो पैसा खर्च कर रहा होता है। ओके, एंड सेकंड इज सर, जो केपी एग्जाम होगा इधर से जाने के बाद, तो सर वो मतलब एक साल बाद देना है या फिर तीन महीने बाद देना है, तो कैसा रहता है वो? जनरली 18 महीने के अंदर अंदर देना होता है जनरली। ओके सर, राइट। हाँ, अब मान लो कोई एकदम ही रेडी है तो जल्दी से जल्दी दे सकता है उसको, उसकी एग्जैक्ट जो है वो शायद प्रोबेशन पीरियड के बाद दे सकता है, कंफर्म कर लेंगे अपन। ओके सर, और सर अभी तो हम लोग काम कर सकते हैं उधर, जैसे भैया ने भी बोला कि मॉर्निंग इवनिंग जो भी है आप कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली हमको कितना काम करना पड़ता है, मतलब हफ्ते में या फिर कुछ उसके बारे में, आवर कितना रहते हैं? 8 आवर्स का जो नॉर्मल एक स्टैंडर्ड रहता है ना अपने यहाँ पे, यस सर, वैसे ही वहां भी आई थिंक 38 आवर्स का होना चाहिए एक स्टैंडर्ड। हाँ, 8 आवर्स से ज्यादा नहीं रहता पर डे के हिसाब से। यस सर, एंड सर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जो बी टू आपसे हम लोग करेंगे तो उसका इसके लिए सर चार्ज कितना पड़ेगा? नहीं, बी टू का जो स्टैंडर्ड चार्ज रहता है अपना इंस्टीट्यूट का 20,500 वही पड़ेगा, लेकिन वो आपको रिटर्न होगा, ये चीज मैंने आपको बताई होगी। ओके सर, ओके, जब वो हमारे थ्रू जा रहे होते हो ना आप, तो आपका रिटर्न होता है वो। ओके सर, एंड सर बी वन का जो एग्जाम अभी हम देने वाले हैं वो गोएथे या टेल्क में से किसी भी, अगर मतलब गोएथे कोई सभी दे सकते हैं, दोनों का वैलिडिटी बराबर ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं सर। मतलब हम लोग जाने के बाद इधर से दो साल करने के बाद अगर किसी और में गए तो वो भी वैलिडिटी देंगे ना टेल्क का, अगर दिए तो मतलब कुछ ऐसा नहीं करेंगे कि आप टेल्क दिए हो हम नहीं लेंगे, गोएथे के ही चालू है, ऐसा कुछ नहीं है ना सर? ना ना, ऐसा कुछ नहीं है। और दूसरी बात क्या है कि दो साल की बात कर रहे हो आप, जब तक तो डेफिनेटली आप फॉल आरंभ कर बी टू भी कर चुके होंगे और आप वहां पे काम भी कर चुके होंगे, तो एज ए रजिस्टर्ड नर्स बन चुके होंगे ये मान के चलो आप तो। ओके सर, एंड सर कौन सा स्टेट में होगा आप कुछ बोल सकते हैं क्या? पूरी जर्मनी में वैकेंसी है, खूब है, तो कहीं भी हो सकता है, अपन ये डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन मान लो कि तनख्वाह कितनी मिल रही है उस हिसाब से आप सिटी चूज करनी चाहिए, लेकिन चूज करने का ऑप्शन अपने पास नहीं है आप ये मान के चलो। ओके सर, एंड लास्ट क्वेश्चन सर, जो भी वेरिफिकेशन आप करवाओगे तो मतलब डॉक्यूमेंट ट्रांसलेटर हुआ, ट्रांसलेट करना हुआ जर्मन में या फिर हमको वीजा ऑफिस में जाना होगा, तो कोई ना कोई हमको मतलब पीछे से गाइडेंस करेगा ना कि इधर से आपको जाना है या फिर? करेक्ट करेक्ट, पूरा गाइड करेंगे।
प्रॉपर। हाँ ओके, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, वेलकम मनोज। नाउ सुरजीत खंगरोत, सुरजीत आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, एक्चुअली मैं जयपुर से बिलोंग करता हूँ, मैं जीएनएम नर्स हूँ और मुझे 6 साल का एक्सपीरियंस है लगातार, कंटिन्यू 6 साल का एक्सपीरियंस है सर। वेरी गुड, ओके। बट सर मैंने जर्मन का अभी स्टार्ट किया नहीं है, तो जर्मन स्टार्ट करते हैं अपन, पूरा B2 करके आप जाओगे तो आप प्रीमियम कैंडिडेट के तौर पे जा सकते हो, काम को भी छोड़ना मत, है ना, क्योंकि जानना चाह रहा था कि सर मैं मतलब कैन आई लर्न जर्मन विथ वर्क। डेफिनेटली यू कैन, मेरे पास बहुत सारे नर्स ऐसे हैं जो अभी काम के साथ में जर्मन सीख रहे हैं, थोड़ा टफ रहता है क्योंकि आपकी जो शिफ्ट वगैरह का चक्कर रहता है ना, बट हम लोग ऐसा कुछ कोशिश करेंगे कि आपको कोई टाइम मैच कर जाए, क्योंकि कोई मॉर्निंग का बैच रहता है हमारे पास, कोई इवनिंग का बैच रहता है, तो ऐसे करके जितना सपोर्ट कर सकते हैं उतना करेंगे आपको, साथ में वीडियो भी आपको हर क्लास का वीडियो भी मिलता है, तो कभी मान लो मिस हो गई तो वीडियो में भी देख सकते हो जी सर। तो अपन आपको जैसे बहुत, मैं आपको बताऊं जितने भी लोगों से मैंने बात करी है या मेरे पास नर्सिंग किए हुए कैंडिडेट हैं या ऑलरेडी जर्मन सीखे हुए हैं, बाहर के हैं, अपने इंस्टीट्यूट के हैं, जित कम लोग ऐसे मिले हैं मुझे जिनके पास रेगुलर काम का 5 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है, तो मैं यही चिंतित हो रहा था कि या तो हॉस्पिटल्स में कांटेक्ट किया जाए, या जो भी मित्र लोग अभी सुन रहे हैं आपके अगर मान लो मिलने वाले हॉस्पिटल में ऐसे लोग हैं जिनके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है, तो ऐसे लोगों को मैं स्पेशली अलग से आगे बढ़ के मदद करना चाहूंगा, आप इनको इन्फॉर्म करें कि कोई भी उनका टाइमिंग का या कोई भी अलग से टीचर लगाना, वो मैं चिंता करूंगा, व्यवस्था करने की कोशिश करूंगा, आप जरूर उनको इन्फॉर्म करें, क्योंकि जो प्राइम कैंडिडेट है उनकी डिमांड सबसे ज्यादा है वहां पे, और उनको पैसा भी सबसे ज्यादा मिलता है। आप लोगों को B1 के बाद जाने की नहीं सोचनी चाहिए, मैं ये बात जरूर पूरे राइट जोर से कहना चाहूंगा सबको कि इतना एक्सपीरियंस है, आप उनकी सारी कंडीशन फुलफिल कर दोगे, लैंग्वेज अच्छे से सीख लोगे। तो नहीं सर, मेन इश्यू यही है कि सर एक्चुअली मैं वर्किंग हूं एज ए थिएटर नर्स, तो सर हमारी शिफ्ट एक्चुअल सर कुछ शेड्यूल नहीं होती है। एक्चुअली सर शिफ्ट जैसे मॉर्निंग रहती है, बट थिएटर नर्स का सर क्या रहता है ना कि जब तक ओटी चल रही तब तक रुकना होता है। नहीं, इसके अपने पास भी जो सोल्यूशन अपन रखेंगे उसका, जैसे मेरे पास कई कैंडिडेट ऐसे आते हैं जो 5 दिन उनके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, तो ऐसे लोगों को मैं एडवांस में सारे वीडियोस देता हूं, और वीकेंड में हमारी क्लास होती है, तो हर वीकेंड पे जैसे सैटरडे संडे को हो गया तो वो पांचों अपने अपने टाइम के हिसाब से 5 लेक्चर करके आते हैं, और फिर वीकेंड में हम उनका टेस्ट लेते हैं हर वीकेंड पे, या उनको कोई डाउट रह गया तो वो करते हैं, तो उनका टारगेट रहता है वीकली 5 वीडियो करना, मतलब 5 क्लास करके आना, और वो फिर इस तरीके से करते हैं, तो ऐसे लोग भी हमारे पास कई सारे हैं। सर एक्चुअली मैं ये कहना चाह रहा था कि एक्चुअली आई हैव गुड कमांड ऑन इंग्लिश, सो सर हाउ मच टाइम इट विल टेक टू लर्न जर्मन लाइक सर फॉर अ बेसिक कैंडिडेट लाइक। देखो जनरली लोग 6 से 9 महीने तो ले ही लेते हैं, 7 से 9 महीने ले लेते हैं लोग, आपकी लैंग्वेज इंग्लिश पे अच्छी कमांड है तो हो सकता है आपको मैं जो वीडियोज के हिसाब से बताऊं और आप कितना करते हो उस हिसाब से कम ज्यादा टाइम हो सकता है। ऐसे भी स्टूडेंट आए हैं मेरे पास जो 6 महीने में A1, A2, B1 कर गए हैं, है ना, मैंने खुद ने भी 4.5-5 महीने के अंदर अंदर ही किया था, लेकिन वो डिपेंड करता है ना आपका कितना कमिटमेंट है, कितना टाइम आप दे पाते हो, उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। ठीक है, सो आप अपना ये फॉर्म तो जरूर भेजना मुझे, आप प्रीमियम कैंडिडेट लग रहे हो। नेक्स्ट इज सजदा। यस हेलो, ओके, तो आपका आपको सवाल का जवाब मिल गया ना आपका, आप अपना डिटेल मेरे साथ शेयर करना सुरजीत। बात करते हैं अपन, श्योर सजदा। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सजदा, मैं बेसिकली पाकिस्तान से हूँ, लेकिन रिसेंटली मैं कुवैत में जॉब कर रही हूँ। कुवैत में, ठीक है। और सर मेरे पास जैसे आप अब एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं, तो मेरे पास ऑलमोस्ट 15 ईयर कंटिन्यू एक्सपीरियंस है। अरे वाह, गुड।
और सर मेरी एज भी ऑलमोस्ट अभी 38 हुई है। हाँ तो मतलब उधर उस कैटेगरी में भी हो आप, क्राइटेरिया आप फुलफिल कर रहे हो। लैंग्वेज का क्या चल रहा है? B1 अभी चल रहा है आपका? यस सर, अभी स्टार्ट नहीं होना है, मंडे से क्लासेस स्टार्ट होनी। ठीक है, तो आप भी अपना एक तो मतलब अभी B1 आपका स्टार्ट होना है अभी? यस सर, एक्चुअली मैं एक इंडिया की ही क्लास है, मैंने एक्चुअली मेरे साथ बहुत बैड लक हुई जब मैंने मैं पहले OLT कर रही थी, लेकिन उसमें अब ना वैकेंसी थोड़ी कम है UK में, तो मैंने बोला कि क्यों ना जर्मन किया जाए, तो मैंने उसको वहीं दो मैंने टेस्ट लिए, मेरे उसमें रीडिंग में थोड़ा इशू था मार्क्स में, तो फिर मैंने उसको वहीं होल्ड कर दिया। तो जब मैंने एडमिशन सारा कुछ ले लिया तो मैं यूट्यूब पर आपकी वीडियो को स्क्रॉल कर रही थी, तो उस वक्त मुझे आपका कॉन्टैक्ट मिला, तो मैं इस लिहाज से मेरी एक बैड लक रही कि मैं ऑलरेडी ही एडमिशन ले चुकी थी, फ्यूचर अबॉर्ड के नाम से कोई इंस्टीट्यूट है वहाँ से मैं कर ली, तो उसके बाद मैं आपको ज्वाइन नहीं कर पा रही क्योंकि मैं ऑलरेडी फीस दे चुकी हूँ वहाँ, तो फिर मैं आपको भी फॉलो करती हूँ और उनकी टीचर से भी कंटिन्यू क्लासेस ले रही हूँ। तो उन्होंने मुझे ये कहा है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो B2 का डायरेक्ट हम दिलवाएंगे, लेकिन क्लासेस लेते हैं और एट द एंड ऑफ यानी DA5 का भी जैसे टेस्ट दे दिया हम लोगों ने, VIN का भी दिया टेस्ट, लेकिन वो ऐसे से नहीं दिलवाते। हाँ नहीं ठीक है, वो इंटरनल अपना कराते होंगे राइट। तो कोई भी फ्रेंड्स लोग क्या है इंस्टीट्यूट्स वगैरह का नाम नहीं लें है ना, वो चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, कई लोग क्या है बुरा मान जाते हैं ना, सब कुछ ठीक है। नहीं मैं इसलिए बता रही हूँ ठीक है, मैं उनसे सेटिस्फाई हूँ, लेकिन एक होता है ना एक चीज आपको ज्यादा अट्रैक्ट कर रही होती है इसलिए। चलो मेरे को अच्छा लगा मुझे कि आपको मेरा वीडियो स्ट्राइक कर गया और आपको सीखने को मिल रहा है उससे, बहुत अच्छी बात है। आप है ना, मेरी किसी भी तरह से कोई मदद चाहिए तो आप बता सकते जरूर हो। यस श्योर सर, मैं मेरे असल में यही प्रीवियस डेज में मेरा ये मेरे अंदर ये चीज आई थी कि एक्चुअली मैंने सुना है, मुझे नहीं पता कि जो जब हम चले जाते हैं वहां पे जर्मनी, तो स्पाउस के लिए भी A1 करना जरूरी होता है। नहीं वो तो करना ही चाहिए, आप उसको आफत की तरह नहीं माने, आपके मान लो हस्बैंड है या किसी की वाइफ है, अगर वो A1 करके नहीं जाएंगे तो आप रोज मतलब एक तरह से वो होता है ना डेली की परेशानी होगी वो आपके लिए, क्योंकि वो तो निकल के घर के बाहर ही नहीं जा सकते। हाँ वो निकल ही नहीं सकते ना, जब कोई एक लफ्ज भी नहीं समझ आना उनको बैठ जाते, अभी तो नहीं आता लेकिन पढ़ेंगे तो क्यों नहीं समझ में आएगा, फिर तो आएगा, फिर तो डेफिनेट आएगा। मेरे साथ एक बेटी है जो कि अभी 6th स्टैंडर्ड में है, तो वो मेरे साथ रेगुलर क्लासेस में जाती है। हाँ तो उनको, हाँ तो उनको भी समझ में आएगा, तो A1 उनको भी, जब आप B2 तक का सोच सकते हो तो A1 का तो उनको भी कराना ही है, वो बहुत मददगार रहेंगे वहाँ आपके सारे काम वो कर लेंगे। एज ए टीचर सर आपसे एक मशवरा लेना चाहती थी कि मुझे B1 करके, मैंने अपना सारा एक्सपीरियंस बता दिया, मुझे B1 करके जाना मेरे लिए ज्यादा बेनिफिट है या B2 करके? देखो मैंने आपको शुरू में ही बोला, आप थे कि नहीं पता नहीं, जो लोग जिनके पास 5 साल, कोई बात नहीं, तो 5 साल से ज्यादा का जिसके पास एक्सपीरियंस है उसको हर हाल में कोशिश करनी चाहिए B2 करके जाना। आप प्रीमियम कैंडिडेट की कैटेगरी में आते हो, सबसे ज्यादा जिसकी डिमांड है, सबसे ज्यादा जिसको पैसा मिलता है, तो B2 करके जाना चाहिए 5 साल से ज्यादा जिसके पास एक्सपीरियंस है ना। तो कोशिश करो कैसे भी आपका B2 हो, जल्दी से जल्दी हो, ठीक है? हाँ हेलो, ओके, सविता का नंबर है अभी। सर गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर, मैं ये पूछ रहा था कि मेरे जीएनएम थर्टी के अक्टूबर में पेपर है, 15 अक्टूबर से, 15 अक्टूबर का पेपर है जी, और एपीवी चल रहा है तो अभी तबीयत खराब थी, इसलिए क्लास नहीं ले पा रहा था, तो क्या करना चाहिए सर? नहीं तो आपका पेपर है तो पेपर को पूरे फोकस के साथ पेपर भी करना है और साथ में जर्मन भी अपनी ठीक करो। नहीं सर मैं ये बोल रहा था कि फॉर्म मुझे भरना चाहिए कि ये जो आपने दिया था कि नहीं भरना चाहिए? फॉर्म तो भरने में कहाँ दिक्कत है, फॉर्म भरा हुआ रहेगा तो आपके डॉक्यूमेंट्स जो है बाकी आप उसमें लिख देना कि भाई मेरा अभी GNM जो है अक्टूबर में है जी, और जर्मन लैंग्वेज का लेवल अभी क्या है, तुमने बीच में शुरू करी थी फिर छोड़ दी थी, अभी क्या लेवल है उस हिसाब से। तबीयत खराब हो गई थी। हाँ तो अभी जब आप ये फिल करो ना तो उसमें ये लिख देना A2 लेवल, तो
जब आप अक्टूबर के, अक्टूबर तो आने ही वाला है जी, राइट, परसों से अक्टूबर ही है, तो अपना जैसे ही हो जाए तो आप आ जाना यहाँ पे जयपुर वापस, या फिर वहीं से करना हो तो वहीं से कर सकते हो। आप ऐसा भी कर सकते हो कि ये नंबर आपके पास है ही, फॉर्म आप अपना एग्जाम दे के जब आओ तब भर देना, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, है ना। उस टाइम पे आप जब मान लो अक्टूबर में आओगे तो आप ये कह पाओगे कि आप जीएनएम हो, है ना। अभी फॉर्म भरोगे तो वो क्लियर नहीं होगा पिक्चर, तो अक्टूबर में आओ उस टाइम पे फॉर्म भर देना जीएनएम, और उस हिसाब से फिर आपका लैंग्वेज का अपन आगे की जर्नी करेंगे। ठीक है, ओके थैंक यू, ओके वेलकम। सुमन सर, मेरा नाम सुमन है, मैं बीएससी नर्सिंग कर चुका हूं सर, और मुझे जर्मन लैंग्वेज के बारे में समझना है सर कि इसमें कितने लेवल होते हैं। इसके लिए तो आपको अलग से डिटेल में बताना पड़ेगा। वैसे तो A1, A2, B1, B2, C1, C2 शॉर्ट में तो 6 लेवल है, और कम से कम 3 लेवल आपको करने पड़ेंगे। और जो नंबर एक दे रखा है ना यहाँ सामने 7597, यस सर, इस नंबर पे आप डिटेल में जानकारी ले सकते हो, और एक मैसेज भी छोड़ सकते हो, प्लीज शेयर द डिटेल्स अबाउट कोर्सेज, तो आपके पास एक मैसेज आ जाएगा, उसमें भी डिटेल में अपन बात कर सकते हैं। सर वन मोर क्वेश्चन सर, हाँ प्लीज सर, लैंग्वेज को कितने दिन में सीख पाऊंगा? लैंग्वेज कितने दिन में सीख पाओगे, ये क्वेश्चन हर किसी का होता है, अच्छा क्वेश्चन है, सुन के मजा भी आता है। और उसका मैं आपको बताऊं कि ये किसी लाल किताब में नहीं लिखा हुआ कि लैंग्वेज कितने दिन में सीख पाएंगे, लेकिन फिर भी मोटा मोटा 6 महीने से लेके 1 साल तक का एक स्टैंडर्ड टाइम मान लो आप। अब कितना इंटेंसिवली आप मन लगा के सीख सकते हो, कितना इंटेंसिवली हम लोग आपके साथ आपकी मदद कर सकते हैं, वो मिलके होता है काम। जितना टीचर जोर लगाता है उससे ज्यादा जोर स्टूडेंट को लगाना पड़ता है, और आराम से सीख सकते हैं। अब जर्मन स्पीकर्स क्लब पे यूट्यूब पे चैनल भी देखा होगा आपने, नहीं देखा तो देखना, आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा कि हाँ किस तरह से बच्चे सीख रहे हैं। वन मोर सर, मैं अगर 1 ईयर के अंदर अगर सीख लेता हूँ तो फिर मैं कितने दिन के बाद वहां पहुंच जा सकता हूँ जर्मन? एक साल में सीख के वहां पहुंच भी सकते हो, नहीं स्टार्ट किया अभी तक तो भी संभावना है, 1 साल के अंदर आप सीख के अपना सर्टिफिकेट लेके जर्मनी पहुंच जाओ। ओके सर, थैंक यू, वेलकम। राज, राजपाल, गुड नाविन सर, गुड नाविन राजपाल, आज तो आपका सेशन है। हाँ सर, यस सर, मेरे को पूछना था कि मेरा ना अभी जीएनएम तो कंप्लीट हो गया है, मेरे अभी डॉक्यूमेंट्स भी आ गए हैं, तो हमारा प्रोसेस अभी से चालू हो जाएगा? अभी से चालू हो जाएगा, आपका वीडियो बनेगा सबसे पहले, जो अभी बताया ना मैंने 80-90 सेकंड्स का वीडियो बनाएंगे, और उसमें आप अपने बारे में बताओगे किस तरीके से क्या क्या किया हुआ है, कहाँ के हो, क्या करते हो, जर्मनी क्यों जाना चाहते हो, ऐसा वीडियो बनाएंगे और फिर शुरू करेंगे प्रोसेस। बिल्कुल ठीक है सर, तो अभी से डॉक्यूमेंट हमको भेजने हैं? हाँ अभी से भेजने हैं, बिल्कुल, जो आपको जो नंबर दिख रहा है इस पे आप लिखोगे कि मुझे नर्सिंग का फॉर्म भरना है, उसका लिंक शेयर करो, तो आपके साथ हम लोग ये वाला लिंक शेयर कर देंगे जिसमें आपको सारे डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करने हैं, और वीडियो जो है वो पहला नंबर, ठीक है वीडियो इसी पर भेजना है, वो जो नंबर है, जी जी जो नंबर दिख रहा है ना सामने 7597, या फिर ये दूसरा वाला 75 पे भेज दो आप तो। यस, संगीता रानी, योर टर्न। गुड नाइट सर, गुड नाइट सर, मुझे यही पूछना था कि जैसे कि मेरा एक्सपीरियंस है 11th का ANM में, मेरी पहले भी आपसे बात हुई थी जी, तो मेरी ANM 2017 में कंप्लीट हुई है, लेकिन मेरे पास टिल अभी तक कंटिन्यू एक्सपीरियंस चल रहा है मेरा ANM का ही। हाँ वो चल रहा है ना, तो ANM का एक्सपीरियंस तो आपका है, लेकिन GNM कंप्लीट हुई है उसके बाद से आपका जो एक्सपीरियंस माना जाएगा जिसमें अपन जा रहे हैं। पर सर वो वहां से नहीं ना देंगे मुझे, मुझे तो वहां 2013 से ही देंगे ना एक्सपीरियंस। 13 से एक्सपीरियंस देंगे तो उनको बोल देना कि वो इस तरह से उसको बनाए कि पहले एज ए हेल्पर या दूसरे असिस्टेंट के तौर पे वहां पे हेल्प करिए।
उसमें मतलब कि मेरी पास भी हूँ जीएनएम में, जॉब मेरी एएनएम में ही है, जीएनएम में नहीं है, क्योंकि मेरी जो जॉब लगी थी गवर्नमेंट में वो एएनएम के अंदर लगी हुई है। ओके, तो आप एएनएम का अपना एक्सपीरियंस उसमें शो करोगे, राइट? यस सर, वो ही पूछना था आपको कि वो, क्योंकि जीएनएम जो मैं 2017 में हुई थी, तो फिर उस बीच में गैप पड़ जाएगा ना सर 2024 तक, कैसे अगर शो नहीं करूंगी तो? तो अपन एक्सपीरियंस शो करेंगे आपका एएनएम का, ठीक है, एक्सपीरियंस शो करेंगे, उसको वो कैसे कंसिडर करते हैं वो उनका आउटलुक है, अपन तो एक्सपीरियंस शो कर देंगे और आप एक्सप्लेन करना सारा केस उनको। जी सर। और अभी वीडियो बनाने की तैयारी करनी है जल्दी। यस सर, अभी B1 चल रही है तो वीडियो अपलोड कर देंगे। बिल्कुल, B1 जो जिनकी भी चल रही है उनका अपन अभी से अपलोड कर देंगे, ताकि उनको कॉन्फिडेंस आए कि अपन अच्छा सीख रहे हैं। यस सर, ठीक है, थैंक यू सर। ओके संगीता, पूजा दुबिस्त्रान, योर टर्न। यस सर, गुड नाबेंट सर। गुड नाबेंट सर, मेरे 3 क्वेश्चन थे। पहला क्वेश्चन है कि जैसे फैमिली, हम लोग जैसे एज ए प्रोफेशन जर्मन में वर्क करते हैं, तो सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे हमारी फैमिली मेंबर मतलब टूरिस्ट वीजा पे या फिर सपोज वीजा पे आते हैं, तो मतलब कितने टाइम तक वो वहां पे रह सकते हैं? और इसमें जनरली 3 मंथ्स के लिए जा सकते हैं विजिट वीजा पे, शॉर्ट टर्म वीजा बोलते हैं उसको। ओके सर। और सर इसमें मुझे पूछना था कि मतलब कितना खर्चा लग जाता है अगर वो लोग टूरिस्ट वीजा पे आते हैं तो? कितना खर्चा लग जाता है वो तो बाद की बात है, पहली बात तो अपनी वहां पे नौकरी सिक्योर करो, राइट। दूसरी बात, खर्चा कितना लग जाता है वो तो फ्लाइट का खर्चा प्लस आप रहना खाना उनका स्पॉन्सर वहां करोगे, तो अभी मैं जाके आया हूं तो 2 से 4 लाख के बीच में आराम से 15 दिन जाके आ सकता है, मेरा ये एक्सपीरियंस है। बाकी तो वो डिपेंड करता है कि उसका खर्चा किस किस में, कितनी मस्ती करेंगे, कितना क्या, राइट। फ्लाइट का खर्चा तो आने जाने का 17,000-1,000 रुपए में भी हो सकता है, अपन टाइमली उसको बुक कर लें तो, है ना। बाकी कितना घूमते हैं और वो, है ना, देखना पड़ेगा। वहां आप रहोगे तो रहने का उनका लगेगा नहीं उस तरीके से, खाने का लगेगा नहीं ज्यादा, ऐसे करके तो डिपेंड करता है वो, लेकिन शॉर्ट टर्म वीजा मिलता है उनको फैमिली मेंबर्स जाते हैं तो। जैसे आप अपने सासू जी को घुमाना चाहते हो, ससुर जी को घुमाना चाहते हो, मम्मी पापा को, तो ऑफकोर्स लेके जा सकते हैं, बुलाते हैं लोग। ओके सर, थैंक यू सर। सर मेरा सेकंड क्वेश्चन है कि जैसे हम लोग B1 के बाद जर्मन जाते हैं तो B1 के बाद हम लोग जर्मन जाते हैं तो वहां से हम लोग B2 कंटिन्यू कर सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू? यस, बिल्कुल कर सकते हैं, टाइमिंग सूट होना चाहिए आपको, नो प्रॉब्लम। तो सर आपके अकॉर्डिंग हमें B2 करके जाना चाहिए या मतलब बेस्ट लैंग्वेज के लिए? मैं तो ये कहता हूँ कि जो भी जितना ज्यादा सीख के जाए उसको जाना चाहिए ज्यादा सीख के, ताकि वहां पे जो दिक्कत आती है ना शुरुआत में वो लैंग्वेज के कारण रहती है 50% दिक्कतें, तो और कोई दिक्कत होती नहीं है ज्यादा, तो इसलिए जिसको जल्दी है वो B1 पे जाएगा, लेकिन जो तसल्ली रख सकते हैं उनको B2 करके जाना चाहिए। ओके सर। और सर मेरा थर्ड क्वेश्चन था कि जैसे हम लोगों की शिफ्टिंग होती है 6-6 आवर की, तो सर मेरा क्वेश्चन है कि जैसे नाइट शिफ्ट होती है तो यहाँ पे तो जैसे 7 डेज की नाइट शिफ्ट होती है, और वहां पे कितने डेज की रहेगी शिफ्टिंग? तो मुझे एक ही डाउट बहुत ज्यादा मेरे माइंड में आता है, तो सर प्लीज इसका आंसर कर दीजिए। गणेश, अभी हो क्या आप यहाँ पे ऑनलाइन? बीच बीच में मैं अपने फ्रेंड्स को बुलाऊंगा जो ऑलरेडी यहाँ से गए हैं, राइट, वो क्लियर कर देंगे। बाकी एक मेरे साथ में भी बैठे हुए हैं, इनसे मैं बात कर लेता हूँ, एक सेकेंड। ये कह रहे हैं कि हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल वेरी करता है, लेकिन गणेश ने अभी बताया था कि नाइट ड्यूटी लगाते हैं तो एक्स्ट्रा उसके मतलब पैसे मिलते हैं, जो भी अनाउंसेस होते हैं उनके अलाउंस, एक्स्ट्रा अलाउंस मिलता है उसके लिए। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ, वो हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल वेरी कर रहा होता है। ओके, नेक्स्ट ऐश्वर्या और फिर शिवांश। हेलो, यस, ऐश्वर्या हस्बैंड स्पीकिंग सर। यस प्लीज। सर मेरा एक सवाल था कि आपके जो ऑफलाइन भी B2 के क्लासेस है क्या? हाँ, ऑफलाइन भी है। ओके, तो मोस्टली ऑफलाइन, अगर सर हम B2 ज्वाइन किए और प्रोसेस हमारा B1 का भी कंप्लीट हो गया, इंटरव्यूज वगैरह हो जाएगा, तो अभी हम B2 के बेसिस पे आप
मतलब मेरा कहना यही कि आप जो इंटरव्यू में एज अ बी टू कंसिडर करेंगे या बी वन के ऊपर हम जा सकते हैं? देखो B1 के ऊपर आप जा सकते हैं अभी जब B2 आपका हो रहा है तो इसका मतलब ये है ना B2 अभी हुआ नहीं है हो रहा है B2 तो जब सर्टिफिकेट आ जाता है तब माना जाता है B2 सर्टिफिकेट अपने हाथ में आ जाता है करेंगे अभी आपके पास तो B1 के बेस पे ही अप्लाई कर रहे हैं B2 के जो क्लासेस है वो मंडे से सैटरडे है क्या वीकली मतलब ओनली संडे है? नहीं B2 की क्लासेज मंडे टू फ्राइडे प्लस सैटरडेज को भी यहाँ पे हम लोग एक्टिविटी करते हैं ग्रुप डिस्कशन वगैरह तो वहाँ पे एक लड़कियों के लिए कुछ रहने के लिए अलग से या मतलब हम पे करेंगे या लड़कियों के लिए अलग से मतलब सिक्योर है क्या रहने के लिए वहाँ पे फ्लैट्स वगैरह? बिल्कुल यहाँ पे ऑलरेडी रह रहे हैं बाहर से आके स्टेट्स के गर्ल्स वगैरह भी रह रही है आप जब आएंगे तो आपको पता चलेगा कि और भी ऐसे नर्सेज हैं जो आउट ऑफ राजस्थान से यहाँ आए हुए हैं कई सारे हैं फीमेल नर्सेज भी कई सारी आई हुई हैं जो ऑलरेडी यहाँ पे रह रही हैं तो डेफिनेटली सिक्योर है और व्यवस्थाएं मिल जाएंगी यहाँ पे अपने इंस्टीट्यूट का हॉस्टल नहीं है लेकिन यहाँ पे हॉस्टल भी है और फैमिलीज में और रूम्स वगैरह अवेलेबल है पीजी टाइप में या मोस्टली हम ऑफलाइन ही प्रिफर करना चाहते हैं सर क्योंकि ऑलरेडी हमने फेस किया है B1 के बाद हमारे 4-5 months ऐसे ही चले गए या थैंक यू सो मच मोस्ट वेलकम ओके नेक्स्ट शिवांश फिर अभिषेक सर जो वीडियो अपलोड करना है तो वो जर्मन लैंग्वेज में मतलब डट्स में करना है कि इंग्लिश लैंग्वेज में जर्मन लैंग्वेज में ही होगा वीडियो जर्मन लैंग्वेज में जी एंड सर मेरा एक्सपीरियंस जो है जीएनएम के बाद 2 years का है और साइमल्टेनियसली मैंने सर PBBSC भी करा है परस्यू तो मुझे पूछना था सर जो वो लोग ऐसा तो कुछ नहीं कहेंगे कि आपने जॉब भी किया जॉब के साथ आपने स्टडी भी किया है क्योंकि तो सर मुझे क्या मतलब जीएनएम का डिप्लोमा दिखाना होगा कि PBBSC का जो मेरा रिजल्ट आएगा जर्मन आएगा मार्च तक आपको जीएनएम का ही दिखाना चाहिए उसके साथ में एक्सपीरियंस दिखाओगे क्योंकि हाँ वो मत दिखाओ फिर क्योंकि वो दोनों चीजें कंसिडर होती नहीं है ना प्रैक्टिकल नहीं है वो सर बट मैंने कर लिया है बट मेरे पास OT का एक्सपीरियंस है एंड वैसे मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है जीएनएम को भी वो उतनी प्रायोरिटी मिल रही है मतलब कोई जीएनएम है या बीएससी नर्सिंग है उस कारण से उसको ज्यादा पैसे मिल रहे हो ऐसा नहीं है तो आप तो अपना 2 साल का एक्सपीरियंस और जीएनएम का दिखाओ फिर उसके बाद में कभी जब आगे आप अप्लाई करो उस टाइम पे आपका वो भी दिखा सकते हो लेटर ऑन कभी ऐसे लेकिन एक्सपीरियंस तो फिर वो एक ही चीज काउंट होती है कभी उसका बेनिफिट बाद में मिलता हो तो यस सर 250 बेडेड हॉस्पिटल होना चाहिए 100 बेडेड हॉस्पिटल होना चाहिए ऐसा कुछ भी है क्या कंपल्सन ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है ऐसा कुछ नहीं है ठीक है सर ओके सर थैंक यू सो मच पूनम हेलो सर गुड नाइट सर गुड नाइट हेलो सर जो मतलब हमने क्लास की A1 A2 B1 का तो उनका सर्टिफिकेट का वैलिडिटी क्या रहता है सर मतलब कितने समय तक हम वन ईयर के अंदर फिर हमें हाँ वो ये कहते हैं कि 1 year से पुराना नहीं होना चाहिए आपका सर्टिफिकेट लेटेस्ट जो भी है ओके यार गवर्नमेंट हॉस्पिटल मिलेगा या फिर वो सर इंटरव्यू के बाद ही पता चलेगा ना हाँ नहीं वो तो वहाँ पे कोई सा भी हॉस्पिटल मिले अच्छा हॉस्पिटल मिलेगा और पैसे मिलेंगे तो कोई गवर्नमेंट ही मिलेगा ऐसा उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता वो तो सिक्योरिटी फैसिलिटी सब मिलती है आपको सर मैं तो ऐसा हो सकता है कि अगर मेरे फ्रेंड का भी जर्मन का क्लासेस हुआ और मेरा भी हुआ तो हमें एट अ टाइम मतलब मिल सकता है क्या सर मतलब आप कह रहे हो कि आप दोनों एक ही जगह जाना चाहते हो ये कह रहे हो हाँ यस सर यस सर यस वो देखो हम गारंटी आपकी वो नहीं कर सकते लेकिन ये है कि आप अप्लाई करो रिक्वेस्ट कर दो तो देखा जाएगा वहां पे वैकेंसी है और हो सकता है आपका सिलेक्शन हो जाए और उनका सिलेक्शन ही नहीं हो ये भी हो सकता है ना या फिर इससे उल्टा समझ रहे हो आप तो ओपन रहना चाहिए कि जहां भी हो हम जाएंगे अच्छे से लैंग्वेज सीखो और
अगर सारे सिचुएशन पॉजिटिव हो और एक ही जगह पे दो वैकेंसी निकली है तो हो सकता है दोनों का एक में भी हो जाए, ट्राई कर सकते हैं अपन। हाँ और एक सवाल था सर कि मतलब जैसे कि उनका मैक्सिमम मतलब ऐसा 2 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट रहता है ना उनका, वो डिपेंड करता है अलग अलग कंपनी टू कंपनी कितने साल का वो करती है, बट एक स्टैंडर्ड मान लो आपकी भाई 18 महीने तो हर कोई करना ही चाहेगा कम से कम जो अपने पे इतना पैसा खर्च कर रहा है। ओके और अगर 18 महीने के बाद सर अगर मतलब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ इन केस तो मतलब उसके बाद भी हम दूसरा जॉब ढूंढेंगे या फिर उधर ही कंटिन्यू कर सकते हैं क्या? देखो जनरली तो वहीं पे कंटिन्यू कर सकते हैं, आपको दिक्कत ही नहीं है, और इस बाद में आप अगर चाहो कि मुझे तो भाई अब बेटर ऑप्शन मिल रहा है तो आप जाओगे, आना वापस पड़ेगा ऐसा नहीं है, आपकी बकायदा वहां पे सोशल सिक्योरिटी वगैरह कट रही होती है ना, तो आपको जॉब की कोई दिक्कत नहीं आएगी जाने के बाद में। ओके ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। दो और फ्रेंड है पहले पूछे फिर के हेलो गुड नाइट सर, ओके हेलो सर आवाज क्लियर नहीं आ रही सर, हेलो सर आवाज क्लियर नहीं आ रही सर, अब मेरी आवाज आ रही है आपको सर? आवाज का इश्यू आ रहा है सर अभी भी थोड़ा सा, हेलो अभी आ रही है सुनिए, आवाज गूंज रही है सर आपकी, आवाज अभी आ रही है सर? हाँ सर अभी सही आ रही है सर, आप लोगों को मेरी आवाज अभी सुन रही है? यस सर, गुड नाइट सर, यस सर, ओके सर मेरा ये क्वेश्चन था, मेरा A2 लेवल चल रहा है सर, हेलो हेलो क्वेश्चन बोलो सर, आवाज गूंज रही है सर आपकी, आप जब बोलते हो ना सर आवाज गूंज जाती है आपकी सर, जैसे डबल डबल माइक ऑन हो सर, जैसे आप बोलो डियर। यस सर, सर मैं ये पूछ रहा था मेरा A2 लेवल चल रहा है और मेरी GNM फाइनल ईयर है, तो मेरे को B1 लेवल लेके जाना चाहिए सर या B2 लेवल करके सीधा जाऊं सर मैं, फिर मेरे को ये पूछना था सर। आप पूछो, आप पूछो अभी सुनेगा मुझे। यस सर, सर मेरा A2 लेवल चल रहा है सर अभी, अभी मेरी GNM फाइनल ईयर है, मेरे दिसंबर में एग्जाम है सर GNM फाइनल ईयर के सर। हाँ। तो सर मैं साथ साथ में ये जर्मन लैंग्वेज सीख रहा हूँ, तो सर उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी ना सर कि साथ में स्टडी कर रहे हो साथ में आप लैंग्वेज भी सीख रहे हो? ना 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 कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है जी सर, और नहीं है अभी कर रहे हैं। यस सर, और मेरा A2 चल रहा है, इसके साथ में मैं B1 करके जाऊँ या सर B2 करके जाऊँ सर? मेरी एज 22 साल ही हुई है सर फिलहाल तक अभी सर। जितना कर लो, जितना आपसे अच्छे से जितना करने कि आपकी क्षमता है उतना करके जाओ, हो सके तो B2 करके जाओ। ठीक सर, और सर अगर मैं B2 करके जाता हूँ सर मेरी सैलरी भी इंक्रीज होगी ना सर B1 के कंपैरिजन में? उसका श्योर नहीं है, लेकिन वो इंटरव्यू पे डिपेंड करेगा। ठीक सर, और उसके बाद में B2 यहाँ से मैं क्लियर करके जाता हूँ सर, तो अनारकुनुंग डायरेक्ट अनारकुनुंग या प्रोफुंग वो देना पड़ेगा ना सर कांट वाला? हाँ, वो एग्जाम वगैरह तो लगेंगे सारे। हाँ सर, फिर अलग से B2 का एग्जाम नहीं देना पड़ेगा ना सर वहाँ पे जाके? यहाँ पे B2 कर जाओगे तो फिर वहाँ पे नहीं देना पड़ेगा। अच्छा, फिर डायरेक्ट अनारकुनुंग की तैयारी स्टार्ट हो जाएगी? अप्लाई कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, ठीक है, थैंक यू सर।
ओके मोस्ट वेलकम, थैंक यू फ्रेंड्स, आप लोगों ने तसल्ली से मुझे इतनी देर तक सुना। यस हेलो सर जी बोलिए। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। हाँ सर, मुझे यही क्वेश्चन था कि अपने B1 कंप्लीट कर ले आफ्टर वहां जाके रजिस्टर नर्स वर्क कर सकते हैं या फिर रजिस्टर नर्स वर्क करने के लिए एग्जाम देनी पड़ती है? एग्जाम तो देनी पड़ेगी रजिस्टर्ड नर्स के लिए, वहां एग्जाम लगता है। देखो दो एग्जाम होती है, एक B2 की एग्जाम जो आपकी लैंग्वेज की एग्जाम है और एक दूसरी होती है कि आपके प्रोफेशन की नॉलेज, KP जिसको बोलते हैं, कैंटनीश प्रूफिंग। रजिस्टर्ड नर्स तो उसके बाद ही काम कर सकते हैं बनके। ओके तो सर तो कितने टाइम में क्लियर करनी पड़ती है वहां जाने के बाद? वो तो आपकी कैपेसिटी की बात है कि कितने दिन में आप एग्जाम दे सकते हो। कई लोग ऐसा करते हैं B1 के तौर पे यहाँ से वहां जाते हैं, फिर B2 वहीं कर रहे होते हैं और एग्जाम भी वहीं दे रहे होते हैं। कई लोग यहीं से सारा प्रोसेस करके जाते हैं। अभी आपका क्या लेवल चल रहा है? अभी मेरा A1 रिसेंटली कंप्लीट हुआ है और A2 कंटिन्यू है। ओके ठीक है। सो B1 में जैसे ही आ जाओ आप ये फॉर्म तो खैर फिल करके भेज ही सकते हो ताकि आइडिया रहे हमको कितने लोग हैं, कहाँ पे हैं, कैसे हम उनको सपोर्ट कर सकते हैं। ग्रुप वगैरह भी बना के या बीच बीच में एक्सपर्ट्स वगैरह को बुलाएं तो आपका नॉलेज उसमें भी इम्प्रूव हो। और फिर जैसे ही आप B1 में आएंगे तो आपको अप्लाई करवाएंगे ताकि पैरेलली दोनों चीजें कर सकें। तो अभी वीडियो बना के भेजना है? अभी आप डॉक्यूमेंट वगैरह भेज दो क्योंकि अभी आप A2 में ही हो तो वीडियो बनाने में आप कितने कॉन्फिडेंट हो वो देख लो। आप अच्छे से बना सकते हो तो बना के भेज दो। ओके ठीक है, थैंक यू। मैं आप लोगों का एक ऐसा कोई ग्रुप बनाने की कोशिश करूंगा जिसमें बीच बीच में अपडेट्स वगैरह या एटलीस्ट आप लोगों को मैसेज से इन्फॉर्म कर सकूं नए सेशंस के लिए, तो आप अपनी इन्फॉर्मेशन जरूर शेयर कर दें। ठीक है, थैंक यू सो मच। विडरजेन सर, विडरजेन, आपसे बात करके मुझे तो हर बार बहुत अच्छा लगता है। बीच बीच में कोशिश करूंगा कि नई नई चीजें और भी फील्ड्स में जो भी इंफॉर्मेशन आएंगी डायरेक्ट प्लेसमेंट की या हाउस बिल्डिंग की उसके सेशन करने के लिए आपको इन्फॉर्म करूंगा। थैंक यू सो मच। वेरी गुड सर, दिस नेक्स्ट स्माल डंक शोन। ओके वेरी गुड सर।